धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को लाने का उद्देश्य सरकारी हस्तक्षेप के माध्यम से कुछ वस्तुओं में उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य के नियंत्रण का प्रयास करता है। ऐसी वस्तुओं को आवश्यक घोषित किया जाता है कि जिनको पूर्व में पारित अधिनियम में घोषित किया गया है, और जिससे कि खाद्य पदार्थों, ऑयल हो, कॉटन, यार्न, पेट्रोलियम और पदार्थ और सभी खाद्य बीज, राज्य सरकार, केंद्र सरकार शासित प्रदेश ऐसे आवश्यक वस्तु की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अधिनियम के प्राविधानों को लागू करते हैं। कोरोना के इस वैश्विक संकट को देखते हुए सरकार ने फेस मास्क, सैनिटाइजर जैसी वस्तुओं को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में लाया। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ, और मेरे पूर्व सदस्य ने भी इसका जिक्र किया, उन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया। महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन का शॉर्टेज हो रहा था, तो अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे साहब ने एक निर्णय लिया कि जितना भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन है वो उसका 80% यूज हॉस्पिटल में होना चाहिए और 20% कमर्शियल यूज होना चाहिए। एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, उसी वजह से महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन का जो शॉर्टेज है उसका प्रॉब्लम सॉल्व किया गया। जो आवश्यक भी इनकी कीमतों पर नियंत्रण रखने की, जिससे उपभोक्ता को उचित कीमत पर इन वस्तुओं का, जो मैंने पहले जिक्र किया, उन वस्तुओं का उपलब्ध किया जा सके। परंतु देखने में आया कि ये नियंत्रण आदेश कई बार थोक और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जो नियंत्रण आदेश कई बार थोक और खुदरा कीमतों की अस्थिरता को सुचारू करने के बजाय बढ़ाते हैं। कई अवसरों पर अन्य कारणों से यह प्रावधान बाजार को संकट के समय अस्थिर बना देते हैं। उन कारणों पर सरकार का अंकुश होना चाहिए, और इस बिल में उन कारणों और कैसे उन पर नियंत्रण किया जा सकता है इसका कोई प्राविधान नहीं है। महोदय, नियंत्रण आदेश स्टॉक होल्डिंग को सीमित करते हुए थोक विक्रेताओं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और खुदरा खाद्य श्रृंखलाओं सहित पूरे कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर समान रूप से लागू होते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने सट्टेबाजों के होल्डर्स और संगठनों के बीच अंतर नहीं किया है कि वास्तव में उनके संचालन की प्रकृति के कारण स्टॉक रखने की आवश्यकता है। आपदा के समय स्थिति और विकार हो जाती है और स्टॉक होल्डिंग बढ़ जाती है, और कीमतों पर नियंत्रण लाना सरकार के काबू नहीं होता है। जैसे मेरे पूर्व सदस्य ने भी कहा कि बहुत ऐसी आपदा की स्थिति आती है और उस समय पूरा रोष सरकार के ऊपर आता है और सरकार को कंट्रोल करना उनके काबू में नहीं होता है। तो इस बिल के माध्यम से अगर उसकी प्रोविजन हुई तो सभी राज्य सरकार हो, राज्य सरकार को सपोर्ट मिल सकता है और आपदा की स्थिति में उनको पूरा नियंत्रण करने के लिए एक कानूनी हथियार मिल सकता है। मेरे सुझाव है कि आपदा के समय के लिए बिल में ऐसा प्रावधान, जैसे मैंने कहा, कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियंत्रण हो सके। महोदय, ऐसा भी देखा गया है कि विभिन्न समय पर अधिनियम द्वारा सरकार का हस्तक्षेप कृषि विपणन में निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों के प्रवेश को विकृत करता है। अभी जैसे कि प्याज का एक्सपोर्ट बंद किया है, जिससे किसानों को नुकसान होगा क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट के उचित दाम नहीं मिलेंगे। यह भी एक विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि हमारे नासिक जिले में मासलगांव में प्याज का उत्पादन ज़्यादा तौर पे होता है, और वहाँ के किसानों को इसका जो भी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। स्टॉक सीमा के कारण व्यापारी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर कमोडिटी की प्रस्तावित मात्रा देने में असमर्थ होते हैं, कि जो कमोडिटी बाजार के विकास और विकास को प्रभावित करते हैं। अभी इस वैश्विक संकट के समय इस बीमारी का इलाज नहीं खोज पाए तो यह आवश्यक हो जाता है कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए जो साधन आवश्यक है वो सब वस्तु अधिनियम में शामिल किए गए है उन पर सख्त प्राविधान किए जाए, जिससे इन सामूहिक लड़ाई को और उचित ढंग से किया जा सके। जैसे मैंने कहा कि मास्क हो, सैनिटाइजर हो, लेकिन पीपी किट के भी स्टार्टिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम आए थे। तो कोरोना प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिकॉशन मेजर्स करने के लिए जो भी साधन हो और जो भी उपकरण हो उसको कंट्रोल करने के लिए और उसका रेट कंट्रोल करने के लिए इस बिल में प्राविधान होना चाहिए। महोदय, सरकार से मेरा अनुरोध है कि आपदा और वैश्विक संकट के समय आवश्यक वस्तु अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाया जाए, और जिससे स्टॉक होल्डिंग और कीमतों पर नियंत्रण लगाया जा सके। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।